तो जैसा कि आपको बता दें कि दो फेज की वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो चुकी है और बाकी फेज की वोटिंग जो है वो होने को है। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी की पूरी लीडरशिप ने यहाँ डेरा डाला हुआ है और आए दिन लगातार कन्वेंसिंग रोड शो और बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि आज मनोज तिवारी जो थे कौरशील रोड कोलकाता पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने रिक्शा पुलर के साथ बातचीत की और यहाँ पर जो हैंड रिक्शा पुलर जो कोलकाता में अलग से दिखते हैं, जो हाथों से लेकर रिक्शों को चलाते हैं, उनके साथ बातचीत करने के साथ ही खुद भी रिक्शा चलाया, खुद भी हाथों से पकड़कर उन्होंने रिक्शा भगाया और उन लोगों से बातचीत करने के साथ उन्होंने वहां कहा कि बीजेपी आने वाली है, यहां पे परिवर्तन होने वाला है और ममता बनर्जी को हरा के वो इस बार सत्ता में यहां पर काबिज होने वाले हैं। वहां उन्होंने रिक्शा पुलर के साथ बातचीत करते हुए कई बड़े दावे भी किए। उन्होंने कहा कि 200 से प्लस सीटें आने वाली हैं, इसी के साथ यहां पर परिवर्तन होने वाला है, खेला हुए जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर मौजूद भीड़ के बीच ये चीज़ भी देखने वाली थी कि ये जो भीड़ है, ये जो लोग यहां पर नज़र आ रहे हैं मनोज तिवारी के साथ, क्या वो वोटर में तब्दील हो पाएंगे। एक और चीज़ थोड़ी सी अलग हुई कि जब मनोज तिवारी वहां पर रिक्शा पुलर के साथ खुद बातचीत करते हुए और खुद भी रिक्शा चला रहे थे तो ऐसे में वहां से निकल रही अन्य गाड़ियों में से खेला हुए लोग चिल्लाने लगे, लेकिन मनोज तिवारी ने बिल्कुल उस तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी जो वहां पर बातचीत थी उसको जारी रखा और वहां पर लोगों से वो लगातार बातचीत करते रहे।